हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि मोबाइल से आधार कार्ड कैसे निकाले, ओरिजिनल साइज में आधार कार्ड कैसे निकाले, वो भी मोबाइल से ऑनलाइन क्रॉपिंग, ओरिजिनल साइज एंड प्रिंट आउट। आपका पेपर बेकार या खराब नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल में सेट कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए, मेरा एक आधार कार्ड का PDF डाउनलोडिंग करके रखा हुआ हूं, ठीक है। इसको जैसे मैं ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद यहां पर पासपोर्ट खोजता है फ्रेंड्स। तो मैं अपना पासपोर्ट यहां पर डाल देता हूं और आप लोगों को दिखा देता हूं किस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पासपोर्ट डाल दिए हैं। उसके बाद ओपन करेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आपका आधार कार्ड ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको अभी बनाना पड़ता है, बनाने देना पड़ता है, ठीक है, स्टूडियो में या कहीं भी, ठीक है। तो आप लोग अपने से घर में ही ओरिजिनल साइज में आपका आधार कार्ड बना सकते हैं। देखिए, यहाँ से कटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्रॉप ऑटोमेटिक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो किस तरह से होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप बैक आ जाएंगे, आने के बाद आपने कोई भी ब्रेजर में आ जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मैं गूगल में आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ई कटर वेप लिखिएगा, ऊपर में ई कटर वेप लिखिएगा, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक जैसे कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। पहला वाला वेबसाइट में आप लोगों को क्लिक कर देना है, इस तरह से क्लिक कीजिएगा। क्लिक जैसे कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से कीजिएगा स्क्रॉल डाउन। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आधार कार्ड का बनाने का है, यहाँ देखिए पैन कार्ड का बनाने का है, ठीक है, बहुत सारा दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्रॉप जन आधार का है, यहाँ पर क्रॉप वोटर आईडी कार्ड का है, कोई भी बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत कुछ दिया है, पैन कार्ड का भी है सब कुछ, ई श्रम कार्ड का भी है, सब कुछ दिया हुआ है देखिए यहाँ पर। तो आपको किस में बनाना है, तो मैं आधार कार्ड का दिखाऊँगा। तो देखिए आधार कार्ड का है, तो देखिए क्रॉप आधार में आप लोग क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। जैसे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इस तरह से ऊपर उठाएंगे, तो यहाँ पर देखिए चूज फाइल, ठीक है, चूज फाइल में आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक जैसे कीजिएगा, अभी जो आप डाउनलोडिंग किए थे फाइल मैनेजर में, उस PDF को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा PDF को, ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ फाइल मैनेजर को, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया है, देखिए ये वाला PDF मेरा, इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक जैसे करूँगा तो वहाँ पर चल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गया है। अभी यहाँ पर PDF का, आपका आधार का PDF का पासपोर्ट यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फिर से डाल देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आधार का PDF डाल दिया हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए JPG में बनाना चाहते हैं या PNG में बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में बनाना चाहते हैं, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी, आप लोग किस में करना चाहते हैं। मैं JPG में करूँगा और यहाँ पर हाई करूँगा, ठीक है, हाई क्वालिटी में करूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपलोड आधार में आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक जैसे कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद देखिए बन के आपका क्रॉप होके आ जाएगा, बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ओपन होके आ गया है, और देखिए कटिंग होके आ गया है, ओरिजिनल साइज में आपका आधार कार्ड कटिंग होके आ गया है, बन के आ गया है। यहाँ से अभी आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, देखिए प्रिंट कार्ड, यहाँ से प्रिंट कार्ड में दबाएंगे तो देखिए आपका पेज में लग के रेडी हो जाएगा। देखिए इधर खाली पेज आपका बेकार नहीं जाएगा फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा सेटिंग हो गया। अभी इसको प्रिंट निकालिए, डायरेक्ट काट के लेमिनेशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद देखिए यहाँ पर आप डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। तो मैं डाउनलोडिंग करना चाहता हूँ, तो इसमें डाउनलोडिंग में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से कटिंग होकर आ गया ओरिजिनल साइज में। उसके बाद यहाँ पर होल्ड करके रखिएगा और उसके बाद डाउनलोडिंग में क्लिक कर दीजिएगा, आपका डाउनलोडिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से बन के रेडी हो गया आधार कार्ड का ओरिजिनल साइज, इस तरह से कटिंग होकर रेडी होकर आ गया, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।